हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का नाम है राइट प्रोग्राम टू चेक इज नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम मतलब कि आप कोई नंबर टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल 121, और इस नंबर का रिवर्स करोगे। अगर इसको मैं उल्टे से लिखूंगा तो क्या आएगा? सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर से 1 आएगा। 1 2 1 और ये क्या हो जाएगा? ये नंबर पहले जैसा ही है ना। ये नंबर पहले भी 121 था और बाद में इसका जब रिवर्स किया, जब इसका उल्टा किया तो भी क्या है? ये 121 है। तो ये नंबर कहलाते हैं क्या? पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर कहलाते हैं ये नंबर। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई नंबर लिखा 876, और इस नंबर का मैं रिवर्स कर दूं तो इसका रिवर्स आएगा, पहले आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। तो ये जो पहले वाला नंबर है हमारे पास 876, जब इसका रिवर्स हमने किया तो हमारे पास आया 678। तो ये नंबर पहले जैसा नहीं रहा। सेम नहीं है। रिवर्स करने के बाद ये सेम नहीं है, तो ये नंबर पैलिंड्रोमियम नंबर नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। जो भी है ये पैलिंड्रोम। तो वो ये नंबर नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जब आप रिवर्स कर देते हो तब भी वही आंसर आता है। एक और एग्जांपल है इसका 898। अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो क्या आएगा? 898। तो ये क्या हुआ? ये नंबर, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है हमारे पास। तो ये होते हैं हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर। तो हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि जिससे जो है हमें पता लग जाएगा कि यूजर जो भी नंबर डालेगा, चाहे 121 डाले या 3 4 5 6, जो भी नंबर यूजर डालेगा हमें पता लग जाएगा कि वो नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। यानी कि जब हम उस नंबर का रिवर्स करेंगे तो क्या वो पहले जैसा ही मैच होगा या नहीं होगा, ये पता लगाएंगे हम। अगर वो मैच होता है तो इसका मतलब वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। अगर वो मैच नहीं होता है इसका मतलब वो एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। यानी कि उसका अगर आप रिवर्स कर दो तो भी वो पहले वाले के बराबर नहीं होगा। अगर आप किसी नंबर का रिवर्स कर दो और वो पहले वाले के ही बराबर हो जाए, इसका मतलब वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो ये प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना आज के इस प्रोग्राम को। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब में। तो काफी कुछ मैंने बनाया हुआ है C++, JavaScript, HTML, CSS। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और जितनी भी कोडिंग हम आज करेंगे वो सारी की सारी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन। और भी कोडिंग आपको अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोग्राम आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना हमारे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले यहाँ ओपन करूंगा मैं डेव C++। इसके अंदर हम सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। बिल्कुल एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं C++ का यूज करूंगा। आप C में भी बना सकते हो, जावा में भी बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हो। लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, बस सिंटैक्स चेंज होंगे। तो हम सबसे पहले क्या क्लियर करेंगे? हमारा जो लॉजिक है उसको क्लियर करेंगे और उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग C++। आप किसी और लैंग्वेज की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस लॉजिक को। मेन फोकस हमारा रहेगा कि हम लॉजिक को समझे। सिंटैक्स तो बाद में पढ़ ही सकते हैं हम। किसी भी लैंग्वेज में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, सो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आ गई हेडर फाइल, फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नेम स्पेस std, फिर मेन फंक्शन हमारा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी सारी की सारी कोडिंग। जितनी भी कोडिंग है अब वो यहाँ पे आएगी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और ऊपर जैसे हम क्या लिख देंगे? कमेंट दे देंगे, हमारे प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं ऊपर कमेंट में, ताकि जो लोग डाउनलोड करेंगे इस कोड को उनको आसानी रहे पता लगाने में कि कौन सा प्रोग्राम है ये। सो ऊपर लिख दिया हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको स्टडी करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इज नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अगर आप रिवर्स कर दो तो आप वापस से आपको वही रिजल्ट मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको बताया था 121 का अगर आप रिवर्स कर दो, यानी कि जो इसका लास्ट नंबर है अगर आप उसको पहले लिखो, यानी कि 1, उसके बाद इसका सेकंड लास्ट नंबर अगर आप बाद में लिखो और उसके बाद आप इसका फर्स्ट नंबर लिखो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 121 ही आएगा। यानी कि ऐसे नंबर होते हैं पैलिंड्रोमियम नंबर, अगर जिनका आप रिवर्स कर भी दो तो आपके पास वही रिजल्ट वापस आएगा जो पहले आपके पास नंबर था। वो होते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स। और अब इसका लॉजिक समझते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम करने के वाले हैं, हम एक लूप बनाएंगे, ओके, एक व्हाइल लूप, एक व्हाइल लूप बनाएंगे बिना इंक्रीमेंटेशन की। हमें इंक्रीमेंटेशन नहीं चाहिए इस लूप के अंदर, ओके। हम इस लूप को तब तक चलाना चाहते हैं जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। इसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज नहीं कर रहे, ओके। इसलिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और इसको कब तक चलाएंगे, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ओके। फॉर लूप लगाएंगे और इस फॉर लूप के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाने वाले हैं, ओके। तो बेसिकली होगा क्या इस व्हाइल लूप के अंदर, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ओके। सबसे पहले एक एन नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर कौन वैल्यू डालेगा, यूजर वैल्यू डालेगा। यूजर की मर्जी है, वो कोई भी नंबर डाल सकता है, 121, 131, या फिर वो डाल सकता है 431। हमारे प्रोग्राम का काम होगा चेक करना कि क्या ये नंबर्स जो हैं पैलिंड्रोम है या नहीं है, ओके। वो हमारा काम है, ओके। उसके बाद हमें कुछ वेरिएबल्स और चाहिए, जैसे कि टेम्प, टेम्प नाम का वेरिएबल हमें चाहिए, ओके। और टेम्प हमें क्यों चाहिए, बिकॉज हम टेम्प्रेरी वैल्यू स्टोर करवाएंगे टेम्प के अंदर, ओके। जितनी भी चीज़ें हम हमारी व्हाइल के अंदर करेंगे वो इसी के ऊपर परफॉर्म करेंगे, टेम्प के ऊपर, हमारे एन के ऊपर नहीं, ओके। हम बेसिकली क्या कर देंगे, जो भी हमारी एन के अंदर वैल्यू है, ओके, उसको हम इक्वल टू कर देंगे इसके टेम्प के अंदर। तो दोनों जो हमारे पास एन और टेम्प है, दोनों में सेम ही वैल्यूज रहेंगी। बस फर्क क्या होगा, जितनी भी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे हैं हम, ओके, वो सारे परफॉर्म होंगे इस वाले टेम्प के ऊपर। इसमें क्यों नहीं करवा रहे हम, हमारे एन में क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि एन का यूज हम लास्ट में करेंगे चेक करने के लिए कि जो भी वैल्यू आई है वो क्या इक्वल टू होती है एन के या नहीं, ओके। इसलिए हम एन को बचा के रख रहे हैं हमारे पास, ओके। एक और वेरिएबल हम लेंगे रिवर्स या रिव, जो भी आप बोलना चाहें इसको, रिव नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ओके। इसको जीरो कर देंगे और इसके अंदर बेसिकली हम क्या स्टोर करवाएंगे, हमारी रिवर्स्ड वैल्यू, जो भी नंबर हमने दिया है, फॉर एग्जांपल 121 या फिर 101, ओके, तो इनका जो रिवर्स वैल्यू करके आएगी वो स्टोर होगी इस रेव के अंदर। उसके बाद हम बेसिकली करेंगे क्या, इस रेव को कंपेयर करेंगे, रेव इक्वल टू कर देंगे हम किसके, एन के, ओके। एन के अंदर हमारी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी और जो वैल्यू हमने रिवर्स की है, रिवर्स करके क्रिएट की है, वो रेव के अंदर होगी। अगर ये वैल्यू के अंदर फॉर एग्जांपल हमने एन के अंदर 121 डाला है, तो हमें पता है 121 का रिवर्स क्या है, 121, तो यहाँ पे 121 होगा और यहाँ पे भी 121 होगा और हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा दिस नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। अगर सपोज कीजिए हमने यहाँ पे डाला है एन के अंदर 431, ओके, तो हमें पता है 431 का रिवर्स क्या है, 134, और एन के अंदर होगा 431, तो ये दोनों मैच नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। तो यही चीज हम करेंगे, ओके। अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ, ओके, किस तरह से वो काम करेगा, ओके, वो हम बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे, ओके। उसके बाद उसके अंदर हम लिखेंगे रेव इक्वल टू रेव, ओके, इनटू हम कर देंगे इसको 10 के, ओके। और एक स्टेप मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए अच्छे से, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेव को लेंगे, फिर से रेव इक्वल टू हम कर देंगे रेव प्लस हमारी जो टेम्परेरी वैल्यू है, ओके, उसका मॉडुलस निकालेंगे वाया 10, ओके, इतना हो गया, ओके। अब नेक्स्ट लाइन हमें लिखनी है जो हमारी बेसिकली टेम्प वैल्यू है, ओके, टेम्परेरी वैल्यू, ओके, उसको हम इक्वल टू कर देंगे टेम्प डिवाइड बाय 10, ओके। तो सिर्फ ये 3 लाइंस आएंगी हमारी व्हाइल के अंदर और व्हाइल में हम क्या लगाएंगे, व्हाइल को हम लिख देंगे व्हाइल और इसके अंदर हम लिखेंगे व्हाइल के अंदर कि जब तक जो हमारा टेम्प है, ओके, जो हमारा टेम्प है नॉट इक्वल टू 0 है, जब तक हमारा टेम्प बराबर नहीं हो जाता 0 के ना, तब तक हम इसको रन करेंगे। उसके बाद ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा। जब टेम्प की जो वैल्यू है, ये वाला जो टेम्प है, इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। हम कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें, ओके। सो ये तब स्टॉप हो जाएगा जब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी, ओके। जब जब temp not equal to 0 रहेगा, ओके, यानी कि जब temp के अंदर 0 आ जाएगा तो ये खुद रुक जाएगा, ओके, और जब तक temp के अंदर 0 नहीं आता, यानी कि temp not equal to 0 नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, ओके। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ओके, उसके बाद बाकी की चीज़ें करते हैं, ओके। बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं कई बार, ओके। सो यहाँ पे मैं इसका साइज़ छोटा कर लूँ, एक मिनट, और यहाँ पे ओके, और इस पेंट को भी यहाँ जैसे साइड में कर दूँ, ओके। तो छोड़ो यार, ऐसे ही ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट, ओके। तो सबसे पहले काम था हमारा क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है, यूज़र से वैल्यू लेंगे, एन के अंदर स्टोर करवाएंगे, ओके। फिर एक और हमें क्या लेना है, वेरिएबल, ओके, रेव नाम का, यानी कि रिवर्स, और इसको हम कर देंगे 0। उसके बाद एन के अंदर वैल्यू ले लेते हैं और यूज़र को बोल देते हैं, पहले हम डिस्प्ले कराते हैं यूज़र को टेस्ट कि एंटर अ नंबर टू फाइंड इज इट पैलिंड्रोम और नॉट, ओके। तो अब सीन की मदद से एन के अंदर वैल्यू ले लेंगे और हो गया, वैल्यू ले ली हमने यूज़र से। अब इस चीज़ को करेंगे हम, ओके, जितना भी ये डायग्राम है उसको फॉलो करेंगे अब हम, ओके। तो मैंने आपसे कहा था कि टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो एन के अंदर है, तो टेम्प इक्वल टू एन कर देंगे, ओके। और शायद मैंने डायग्राम में गलत बता दिया था, एन इक्वल टू टेम्प बता दिया था, ओके। तो टेम्प इक्वल टू एन होगा यहाँ पे, ओके, यानी कि जो टेम्प के अंदर वो स्टोर करवाएंगे हम जो एन के अंदर है, ओके, इसलिए मैंने टेम्प इक्वल टू एन लिखा, ओके। उसके बाद हम जो भी ये यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है इसी को फॉलो करेंगे, तो व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल में लिखेंगे हम टेम्प नॉट इक्वल टू 0, ओके, ये कंडीशन लगानी है, व्हाइल कंडीशन, यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये, जब तक टेम्प 0 नहीं हो जाता तब तक ये चलता ही रहेगा, ओके। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये फॉर्मूला लिखना है हमको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेव इक्वल टू रेव इंटू 10, रेव इक्वल टू रेव इंटू 10, ओके। आई होप ये प्रोग्राम काम करे, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड लाइन में रेव इक्वल टू रेव प्लस टेम्प मॉडुलस ऑफ 10/10, ओके, rev equal to rev plus temporary value, okay, और modulus निकालना है by 10, okay। उसके बाद temp equal to temp divide by 10, okay, बस इतना सा काम, okay। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें if लगानी है लूप के बाहर, ओके, ये जो है चल पड़ेगा हमारे पास, सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी व्हाइल के अंदर, जब टेम्प 0 हो जाएगा, ओके, हमारे पास, तो लूप स्टॉप हो जाएगी, ओके। उसके बाद सारे रिजल्ट स्टोर हो जाएंगे इन वेरिएबल्स के अंदर, रेव के अंदर, टेम्प के अंदर, ओके। उसके बाद हम रेव को कंपेयर करेंगे किसके साथ, हमारी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि एन के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ जो हमारी जो टेम्प वैल्यू है, ओके, जो अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू निकाली है, अगर वो बराबर हो जाती है हमारे एन के, इसका मतलब तो भाई वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास जो भी नंबर है, यानी कि जो एन है, एन के अंदर जो भी वैल्यू है इज अ पैलिंड्रोम, ओके, इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके, ये चीज़ हमको प्रिंट होके आ जाएगी हमारे पास स्क्रीन में। लेकिन अगर टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू है वो बराबर नहीं हो पाती है एन के, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, उस केस में हम लिखेंगे एल्स और सी आउट कर देंगे हम कि जो एन है इज नॉट अ पैलिंड्रोम, इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, उसके बाद वर्किंग देखेंगे हर एक इस फॉर्मूला की, ओके। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी नाम दे दो, .cpp, सेव, ओके। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमने टेम्प वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया था, ओके, यानी कि इसको कोई डेटा टाइप नहीं दिया था, ओके। सो डेटा टाइप दे देते हैं इसको बेसिकली, तो इंट टेम्प इक्वल टू एन कर दिया मैंने, ओके। सो अब ये डिफाइन हो चुका है अच्छे से डेटा टाइप के साथ, तो कंपाइल एंड रन किया। अब हमें पता है 1, 2, 1 एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो 1 to 1 तो हमारे पास आना चाहिए। 1 to 1 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ओके, 1 to 1 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ऐसा क्यों आया? तो ये चीज चेक कर लेते हैं हम। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की है। ओके, सो लेट्स सी क्या गलती की है। ओके, सो फॉर्मूला एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम जैसा डायग्राम में था क्या वैसा ही है। ओके, सो टेम्प। ओके, सो सॉरी, मैंने यहाँ पे बेसिकली किया गया, मैंने इसको टेम्प के साथ कंपेयर कर दिया, मुझे रिवर्स वैल्यू के साथ कंपेयर करना था। ओके, रिवर्स वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे टेम्प की जगह रिवर्स आएगा, रेव। ओके, बिकॉज जो रिवर्स वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो रेव वेरिएबल के अंदर है स्टोर्ड, ना कि टेम्प के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये किया। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रेव इक्वल टू एन। ओके, सो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम करना चाहिए। 1 to 1 एंड 1 to 1 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, हमारे पास आ गया रिजल्ट। ओके, अगर मैं 1 to 1 की जगह कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्ला ब्ला ब्ला, एंटर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ओके, अगर मैं लिखता हूँ 1 0 1 एंड, सो इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। अब मैं इस मैथमेटिकल फॉर्मूला की वर्किंग आपको बता देता हूँ। ओके, कैलकुलेटर के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो फोन में कैलकुलेटर है, सो फोन में खोलते हैं। ओके, और आप लोगों की स्क्रीन में भी मैं कैलकुलेटर, यहाँ पे स्क्रीन में मैं कैलकुलेटर दिखा दूंगा, और जितने भी रिजल्ट होंगे बेसिकली उनको यहाँ पे स्टोर करवाता रहूँगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लूँ। ओके, हो जा, और हो गया, हाँ हो गया। ओके, सो इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है मैंने। ओके, सो कैलकुलेटर ओपन करते हैं अब। ओके, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे 1 0 1 क्या एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। ओके, 1 0 1 के लिए कर रहे हैं हम ट्राई। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, इसको दिखा लूँ मैं अच्छे से फॉर्मूला को। सो ये रहा, और ये रहा हमारे पास हमारा नोटपैड। ओके, सो एक साइड ऊपर आपको फॉर्मूला मिलेगा, एक साइड मेरा थोबड़ा। ओके, और यहाँ पे रिजल्ट। ओके, और ये स्क्रीन भी आपको अंदर दे दूंगा। तो आप देख सकते हो पहली लाइन है रेव इक्वल टू रेव इंटू 10। रेव की वैल्यू क्या दी थी हमने? 0, तो 0 इंटू 10 इक्वल टू 0 आ गई हमारे पास। ओके, वैल्यू। ओके, और उसके बाद फिर से एक लाइन है रेव इक्वल टू रेव प्लस टेम्प मॉडुलस ऑफ 10। ओके, तो अब रेव के अंदर लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 0, तो 0 प्लस टेम्प के अंदर क्या है? 1 0 1। ओके, जो कि हमारा पैलिंड्रोम नंबर हमने डाला है। ओके, फाइंड करने के लिए। ओके, 1 0 1, उसके बाद इसका मॉडुलस बाय 10 एंटर, और आंसर आ गया हमारे पास। क्या आंसर आया हमारे पास? 10। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.1 आया है। मैं 1 क्यों नहीं ले रहा, 0.1 इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज जो डेटा टाइप हमने यूज किया है वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। ओके, तो इंटीजर पॉइंट में वैल्यू नहीं लेगा, वो 10 तक ही लेगा, तो इसलिए मैंने ये लिखा। उसके बाद टेम्प के अंदर क्या है? टेम्प के अंदर है 1 0 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये? 10। ओके, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10। ओके, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट आइट्रेशन। अब ये चेक करेगा कि जो भी टेम्प के अंदर वैल्यू है क्या वो 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे आएगा टेम्प नॉट इक्वल टू 0। तो टेम्प के अंदर है क्या? 10, तो 10 नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ट्रू है, तो चल पड़ेगा। ओके, आगे आ जाएगा। सो अब आ जाएगी हमारी सेकेंड आइट्रेशन बेसिकली। ओके, सो अब लेटेस्ट वैल्यू क्या है रेफ के अंदर? रेफ के अंदर लेटेस्ट वैल्यू है 10 हमारे पास। ओके, तो 0 हटा दिया मैंने। ओके, तो 10 है हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू रेफ के अंदर। तो क्या होगा? 10 इंटू 10, 100 आ गया, 100 हमारे पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है रेव इक्वल टू रेव प्लस टेम्प मॉडुलस ऑफ 10। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेव के अंदर लेटेस्ट वैल्यू है 100 प्लस टेम्प के अंदर लेटेस्ट वैल्यू क्या थी? 10, तो 100 प्लस 10 मॉडुलस ऑफ 10 इक्वल टू 1 0 1। ओके, और उसके बाद क्या होगा? थर्ड लाइन है मैथमेटिकल वाली। ओके, टेम्प के अंदर है लेटेस्ट वैल्यू 10। ओके, तो 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1, और ये चल पड़ा हमारे पास। ओके, सो उसके बाद ये फिर से चेक करेगा क्या 1 नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, तो फिर से चले गए डॉट डॉट थर्ड लूप। ओके, सो इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास है हमारी लेटेस्ट वैल्यू रेफ के अंदर 101 इंटू 10 और ये आ गई हमारी वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, इस वैल्यू को प्लस करेंगे हम टेम्प के साथ जो कि है 1, फिर मॉडुलस, और ये आ गई हमारे पास अगली वैल्यू, नई वाली 1 0 पॉइंट को नहीं लेंगे हम बिकॉज इंटीजर टाइप है। ओके, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, बेसिकली हम हमारा जो 1 है बेसिकली, ओके जो हमारा 1 है, जो हमारी लेटेस्ट टेम्प वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 10 तो आ गया 0.1। तो पॉइंट को तो लेते नहीं हम, तो टेम्प क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास। तो 0 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू नहीं है ये कंडीशन, ओके क्योंकि 0 बराबर है 0 के, तो इसलिए ये लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 101, ओके 101, ओके। और उसके बाद रेफ के अंदर 101 हो जाएगी हमारे पास, ओके वैल्यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इफ के अंदर उसको चेक करवा देंगे क्या जो रेफ के अंदर वैल्यू है बेसिकली, यानी कि जो रेफ के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो रही है क्या एन के। सेव, कंपाइल एंड रन करते हैं इसको, तो जो 101 का निकाल रहे हैं हम, ओके तो यहाँ पे देख सकते हो 101 इज अ पैलिंड्रोम, ओके तो यानी कि हमने क्या चेक किया, जो रेफ के अंदर लेटेस्ट वैल्यू है ओके क्या वो इक्वल टू होती है एन के, अगर होती है तो आ जाएगा कि वो नंबर पैलिंड्रोमियम है, ओके अगर नहीं होती है तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ओके तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। ओके सो मैंने काफ़ी टाइम ले लिया और मेरा गला बैठ के 20 मिनट की बन गई यार, ये 8 मिनट का काम था। ओके तो काफ़ी बड़ी मैंने ये वीडियो बना दी, ओके सो उसके लिए सॉरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके और आई होप आपको ये समझ आया हो, इसकी वर्किंग समझ आई हो। ओके जब आप इस प्रोग्राम को बनाओगे या कोई भी मैथमेटिकल प्रोग्राम आप बनाते हो तो अपने साथ कैलकुलेटर रखा करो, ओके कैलकुलेटर के थ्रू आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक।